दोस्तों ये बाथरूम का व्यू है जो आप देख रहे हो वॉल के ऊपर जिसमें कि पाइप्स लगी हुई है वाटर सप्लाई की पाइप ये जो आप देख रहे हो और जो कुछ एक लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि सुपरवाइजर या इंजीनियर वो लोग जो इसकी डिटेल से कुछ देखना चाहते हैं एक तो ये फिटिंग है जैसे आप फिटिंग देख रहे हो जिसमें ये डाइवर्टर्स लगा हुआ है इधर भी पॉइंट लगा हुआ है बट इनकी फिटिंग को मेन इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इनकी फिटिंग पे जाएं तो आप देखोगे कि कितनी टीज लगी हुई है कितने एल्बो लगे हुए हैं कितने क्रॉस एल्बो लगे हुए हैं और कितने तो एक तो इसके इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि अगर आपको इसका बी तैयार करना हो कि कितना पाइप लगेगा एक लमसम कई बार बोलते हैं अपन कि 50 फीट लगेगा 60 लगेगा 70 या 80 लगेगा तो जो प्लम्बर होते हैं वो लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि इतना लगेगा मोस्ट प्रोबेबल वो लोग बोलते हैं कि 80 70 से 80 फीट पाइप लगेगा बट ओरिजिनली वो 45 से लेके 60 के बीच में ही लगता है और इसको भी आप उस तरीके से सही कर सकते हैं जैसे कि आप समझते हो कि अगर अपन इसको इस तरीके से डिजाइन करें कि कहाँ से पाइप लेकर के जाएं तो अपनी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी या पाइप की लेंथ कम लगेगी आपको क्या करना है कि सबसे पहले हर वॉल को इस तरह से देखना है कि हमें पॉइंट कहाँ कहाँ लेने हैं अब आप इसमें ये देखिए कि इसमें ये लाइन शोवर को जा रही है उसके बाद में यहाँ ये डाइवेटर का पा पार्ट आ गया डाइवेटर लग गया और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नीचे के नल के लिए हो गया जो नीचे टेप लगेगी उसके लिए हो गया जो पाइप आ रही है वो आ रही है हॉट वाटर की और दूसरी आ रही है नॉर्मल वाटर की तो ये जो डाउनवर्ड होकर के आ रही है ये वाला देखोगे आप ये वाला जो जा रहा है ये पाइप गीजर से आ रहा है और गीजर से आ करके यहाँ पे जॉइंट हो रहा है इसकी और दूसरी तरफ का जो ये पाइप पा आ रहा है ये पाइप पा आ रहा है ये पाइप पा आ पा करके यहाँ जॉइंट हो रहा है ये जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को अगर हर इंजीनियर सुपरवाइजर या फोरमैन जो कि काम करवाते हैं उनको समझना उतना ही जरूरी है जितना एक प्लम्बर को समझना है क्योंकि जैसे अगर अपन ये करवाते हैं और खुद करवाते हैं तो अपने को नॉलेज होता है वो तो अलग चीज़ है बट अपने को ये भी पता होता है कि ये फिटिंग कैसे और किस तरीके से होगी इसके अलावा जब कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाता है कोई भी एक्स वाई जेड फ्लैट्स की बिल्डिंग जो बनती है उस बिल्डिंग में ये जो आप पूरा इसका नक्शा देख रहे हो यहाँ पे इस पूरे नक्शे को हर वॉल को जैसे चारों के चारों वॉल पे अगर पाइपलाइन आ रही है भले वो वाटर सप्लाई की है आउटलेट है या इनलेट जो भी आ रही है उसको अगर आप एलिवेशन शो करोगे उसका तो एलिवेशन को शो करते वक्त आपको ये पता रहेगा कि इस वॉल में किस हाइट पे कौन सी पाइप जा रही है कल को सपोज दैट कि ये वाला एरिया मान लो यहाँ पे कभी कुछ लगाना पड़ गया उसको हैंगर या कुछ भी टंगाना पड़ गया तो उस केस में कील कहाँ पे ठोकनी है उस चीज़ का बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंस है अगर आपको ये एलिवेशन आपने उसके साथ में लगा दिया कि बाथरूम का डिटेल दे दी तो तो हर आदमी को पता रहेगा तो इसका आने वाले टाइम में यहाँ तक भी होना चाहिए कि हर बाथरूम का बाथरूम के सामने उसका प्लान जैसे कि इलेक्ट्रिकल में आप देख रहे हो कि एक सर्किट होता है लगा हुआ एस होता है सिंगल लाइन डाइग्राम होता है और एक डिटेल होता है और वो लगा हुआ होता है उससे पता चलता है कि ये पैनल या कुछ भी चीज़ होती है उसके अंदर क्या क्या सर्किट है इसी तरीके से ये भी एक सर्किट है दोस्तों इस सर्किट को भी आपको समझना चाहिए पर्टिकुलर सिविल से रिलेटेड जो फॉरमैन सुपरवाइजर या इंजीनियर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को